नमस्कार। अभी मैं कुछ दिन पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप में न्यूज़ देख रहा था। उस पर न्यूज़ की हेडिंग थी, पेरेंट्स पर आने वाली है आफत, मध्य प्रदेश बोर्ड का आया आदेश, और एक लिंक थी। अब जब वो मैंने टाइटल पढ़ा कि पेरेंट्स पर आने वाली है आफत और बोर्ड का कुछ ऐसा नियम आया है, तो जिज्ञासा उठी। अमूमन न्यूज़ चैनल जो होते हैं वो भले किसी भी लेवल के हों, नेशनल हों, स्टेट लेवल के हों, रीजनल हों, तो उनमें जनरलाइज मैनर में ऐसी ही हेडिंग देते हैं जिससे आपकी उस न्यूज़ को देखने की जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। मेरी भी बढ़ी। मैंने उस लिंक पर क्लिक किया, मैं न्यूज़ वेबसाइट पर पहुंचा। वहां था 15 जून से खुल रहे हैं स्कूल। अभी 15 जून से स्कूल खुल रहे हैं, ठीक है, लगा कि कुछ और इसमें ऐसी चीज़ होगी जिससे पेरेंट्स पर आफत आ रही होगी। मैंने पूरा पढ़ा तो उसमें सिर्फ इतना सा था, भाई बोर्ड ने 15 जून से स्कूल खोलने का बोला है, 15 जून से स्कूल खुलेंगे, ब्ला ब्ला, बस इतनी छोटी सी न्यूज़ थी। अब मुझे ये पढ़ के लगा यार कि ये इसमें पेरेंट्स पर आफत कैसी आ गई? क्या पेरेंट्स जब बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो उन पर आफत आ जाएगी? भाई या तो ऐसा होता कि स्कूल भेजने में अब फीस बहुत बढ़ने वाली है, 50% 60% फीस बढ़ने वाली है, 20% 15% बढ़ने वाली है, जो 10% की लिमिट है उससे ज़्यादा होने वाली है, या किसी और तरह का। स्कूल खुल रहे हैं, बच्चों को भेजना है, उसमें आफत है। ये सोचने वाला तथ्य है मेरे सामने कि क्या वाकई में पेरेंट्स जब अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो उन पर आफत आ जाती है। कोविड के दौरान जब ऑनलाइन से ऑफलाइन स्कूल खुलने जा रहे थे तो मैंने देखा था कुछ लोगों ने कमेंट्स वगैरह डाल रखे थे कि स्कूल बंद कर देना चाहिए, स्कूल बंद रहेंगे तो ना स्कूल की फीस लगेगी, ना आने जाने का खर्चा, ना किताबों का खर्चा, ना ये ना वो। अब वो राम जाने ऐसे वो महाशय कौन होंगे जो तमाम तरह के खर्चों को बचाने के लिए स्कूल ही बंद कर देना चाहते थे। बंद कर दीजिए, और अगर स्कूल बंद नहीं हो रहा तो बेहतर होगा कि हम बच्चे का नाम ही स्कूल से कटवा दें, सारी आफत खत्म हो जाएगी। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं पिछले कुछ समय में स्कूलों को इतना ज्यादा बदनाम किया जा रहा है, इतना ज्यादा कल्प्रिट बताया जा रहा है कि जैसे सारे स्कूल्स खराब हो गए, सब पेरेंट्स पर सिर्फ आफत ही आफत दिए जा रहे हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं कि आप में से कई लोग ऐसा सोचेंगे कि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं भी स्कूल चला रहा हूं, तो मैं पेरेंट्स पर आफत ला रहा हूँ। ये एक ऐसा स्कूल है जिसने पिछले 2 सालों में कोविड के दौरान अपने बच्चों की फीस तकरीबन 80% तक कम करी, 80% नहीं की, 80% कम करी, अर्थात 20% तक ली, और एक भी बच्चे का नाम ऑनलाइन एजुकेशन से नहीं हटाया। फीस कम करना बड़ी बात नहीं थी, कम करने के बाद पढ़ाना बड़ी बात थी, और प्रॉपर टेक्नोलॉजी के साथ में, बेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ में। हमारे स्कूल में हम बहुत ऐसी पुस्तकें लगाते हैं जो बहुत कम पैसे में आ जाएं। हम 4,000-5,000 रुपए की पुस्तकें नहीं लगाते, हम तो उतने की पुस्तकें लगाते हैं जितने का तो तकरीबन बुक्स का कमीशन बन जाता है, उतने कम में। अगर कोई स्कूल बुक्स का कमीशन खा रहा है, अगर कोई स्कूल यूनिफॉर्म पर कमीशन खा रहा है, तो स्पष्ट रूप से उसका नाम लीजिए। लेकिन सारे स्कूलों को उसके लिए कल्प्रिट क्यों बना रहे हैं? आप अगर ये समझें कि सारे स्कूल ऐसा कर रहे हैं तो वो तो मुझे तो इससे में ऐतराज है। हम तो 1 रुपए का कमीशन नहीं लेते, 1 रुपए यूनिफॉर्म पर या स्कूल पर बुक्स पर नहीं लेते किसी भी तरह का। कोई बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूशन आई, उस कोचिंग इंस्टीट्यूशन का हमने सेमिनार कराया, उसका हम चार्ज नहीं लेते। हमारे बच्चों को हम किसी कोचिंग पर भेज दें, वहां से कमीशन के रूप में पैसा ले लें, हम नहीं करते। ये हो सकता है कि मेरे किसी स्कूल के बच्चे के पेरेंट को कोई पुस्तकों का सेट 2200 रुपये का पड़ा हो, वो मुझे 2000 रुपये का पड़ा हो, पर मैं मेरे बच्चों की पुस्तकें, उनकी किताबें, उनकी 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 यूनिफॉर्म पैसे देकर लेकर आता हूँ। और कई बार ये होता है कि भैया इनकी तो बुक्स एक ही दुकान पर मिल रही हैं तो ये ज़रूर कमीशन ले रहे होंगे। तो साहब अगर करना हो तो बुक्स को 5 दुकानों पर अवेलेबल कराकर भी कमीशन लिया जा सकता है, अच्छा खासा कमाया जा सकता है, क्योंकि कमीशन दुकान वाला नहीं देता, कमीशन तो पब्लिशर देता है, और पब्लिशर तो अपनी बुक्स को कहीं पर भी अवेलेबल करा देगा, तो कमीशन किसी एक दुकान से थोड़ी ना मिल रहा है। तो अगर हमारी पुस्तक कभी किसी एक दुकान पर भी मिल रही हो, ऐसा हम तो केवल NCERT की बुक्स लगवाते हैं, और NCERT की बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं होती। अब NCERT की बुक्स पर कौन स्कूल वाले को कमीशन मिलेगा?
एनसीईआरटी की पुस्तकों पर तो कमीशन का सवाल ही नहीं उठता, वो मिल जाए वही बड़ी बात है। एक ना एक बुक तो ऐसी होती है जो मार्केट में मिलती नहीं है, उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। स्कूलों में भेजने से पेरेंट्स को ये सोचना होगा कि क्या वाकई में उनके लिए आफत हो रही है। पिछले 2 सालों में वैसे ही बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ है, बच्चे बहुत पिछड़ गए हैं, बड़ी बड़ी क्लासेस में बच्चों को लिखना नहीं आ रहा, पढ़ना नहीं आ रहा, ये नुकसान किसका हुआ? हमने तो सोशल मीडिया पे बहुत पढ़ा कि बच्चों स्कूल वाले ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, उसमें क्या हुआ, कई सारे भोले भाले पालक उन्होंने भी अपने बच्चों को ढंग से नहीं पढ़वाया, बच्चों को स्कूल से निकलवा दिया, चलिए ठीक है ऑनलाइन। ये बात भी है कि कई सारे स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाया ही नहीं गया, 80-90% स्कूलों में नहीं पढ़ाया गया, लेकिन पढ़ाया कुछ तो जगह गया और जिन बच्चों ने पढ़ा उनका फायदा भी हुआ। अब अदरवाइज अगर एक बच्चे को अगर आप 1 साल पीछे करते हैं, तो बच्चा 1 साल जब पीछे होता है तो वो तकरीबन 1.5 करोड़ लोगों के पीछे हो जाता है, क्योंकि हमारे देश में तकरीबन 1.5 करोड़ लोग हर साल 12वीं कक्षा की परीक्षा देते हैं। आप तमाम बोर्ड CBSE ISC तमाम स्टेट बोर्ड्स को इंक्लूड कर लीजिए, तकरीबन 15 मिलियन लोग हमारे देश में कक्षा 12वीं की परीक्षा देते हैं। तो अगर 1 साल हमारा बच्चा पीछे हो रहा है तो 15 मिलियन लोगों के पीछे हो जाएगा, कितना पीछे हो जाएगा वो। हम पढ़ाई को ऐसे इग्नोर करके ना चलें, हमारे लिए हवा जरूरी है, पानी जरूरी है, खाना जरूरी है, हमारे लिए पढ़ाई भी जरूरी है, और मैं कहता हूँ ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि जब ये होगा बच्चे के पास तो वो पढ़ाई करेगा, तो वो खाना खाएगा, पानी पिएगा, तभी वो कर पाएगा ना। और भले ही आज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे की वजह से गवर्नमेंट को किसी तरह का कोई टैक्स नहीं मिल रहा हो, हालांकि कुछ टैक्स इनडायरेक्टली मिल रहे हैं, पर अगर नहीं भी मिल रहा हो तो यही वो बच्चे हैं जो आगे चल के टैक्स को पे करेंगे और इस देश के विकास करेंगे। इस देश में कई सारे ऐसे लोग की मदद करेंगे जो केवल इन बच्चों के पढ़ने की वजह से। तो अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में ये आफत है स्कूल में भेजना, तो आप विचार करना होगा। मैं जानता हूँ मेरे इस वीडियो के बाद में मुझे कई सारे लोग सोशल मीडिया के जो हैं वो मुझे कई तरह से ब्लेम करेंगे, कई तरीके से मुझे वो गालियाँ देंगे, पानी पी पी के कोसेंगे कि साहब ये स्कूल वाले हैं, इनको तो कमाना है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं उनको भी बता दूं कि मेरा घर, मेरा पेट मेरे स्कूल चलाने से नहीं, मेरे पढ़ाने से चलता है। आज भी मैं पढ़ाता हूं, पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा हूं, दीपावली के दिन भी मैं शाम को पढ़ाते हुए मिल जाऊंगा। तो मेरे घर मेरे पढ़ाने से चल रहा है, मेरे स्कूल चलाने से नहीं चल रहा। ये तो एक पैशन है जो हमें काम करने के लिए मोटिवेट करता रहता है। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा आगे बढ़े तो बिल्कुल नुकसान मत होने दीजिएगा। Day 1 से स्कूल में भेजिए, Day 1 से उसको पढ़ाई के लिए मोटिवेट कीजिए, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं जिन्होंने हमारा भविष्य बनाना है। ये जो सोशल मीडिया पर स्कूल्स को और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को ब्लेम करने वाले हैं उन्होंने नहीं, जो खराब काम कर रहे हैं उनका स्पष्ट नाम लीजिए, लेकिन अगर डेडिकेशन से काम हो रहा है तो हमें हमारे बच्चों के बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। नमस्कार।